डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने जो है इस चैनल पे देखा है कि ज़्यादातर 99% जो है हमारे जो व्यूअर हैं वो सभी यंग मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, और उसमें जिस तरह से मैकेनिकल पंडित में सभी तरह के जो है वीडियो आपको मिलेंगे, स्पेशली मैकेनिकल के लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के और इन प्रॉपर सीक्वेंस सब्जेक्ट्स मिलते हैं, इसलिए मैकेनिकल के बच्चे जुड़े हैं। और यदि आप मैकेनिकल फाइनल ईयर के बच्चों से मिलेंगे, यदि आप खुद फाइनल ईयर में हैं, तो ये फील करते होंगे कि एक सब्जेक्ट होता है, हमारा प्रोजेक्ट जो है कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आज जानकारी हम लेंगे। प्रोजेक्ट में भी जनरली कई कॉलेज में सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, या कई बार इसी को डिवाइड करके माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट जो है। अब इस वीडियो का जो पर्पज है, और इस वीडियो को वही लोग बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे जो फाइनल ईयर में हैं या जिनको प्रोजेक्ट से जो थोड़ा बहुत रूबरू हैं। तो जब प्रोजेक्ट का नाम आता है तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट जो है कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट होता क्या है। तो देखिए, प्रोजेक्ट इज बेसिकली ए टास्क एंड एक्टिविटी दैट यू हैव टू कंप्लीट विद इन द गिवन टाइम, विद इन द गिवन बजट, विद इन द गिवन रिसोर्सेस, ठीक है, विद इन ए फिक्स टाइम जो है आपको उस टास्क को, उस एक्टिविटी को पूरा करना है। तो दैट इज द बेसिकली प्रोजेक्ट। लेकिन जो बीई का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, उस बीई के प्रोजेक्ट में जैसे ही प्रोजेक्ट आता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये बच्चों के क्यूरी आ रहे थे कि सर एक दिन आप प्रोजेक्ट के ऊपर आप बताएं, कुछ जो है जानकारी दीजिए कि कैसे हम प्रोजेक्ट शुरू करें, ठीक है ना। अब इसमें जो आज हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वह मैं आपको बता दूँ, जो आपका क्वेश्चन है वह उसी पर कि जो है प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें, ठीक है ना, प्रोजेक्ट के गाइड क्या होंगे, ठीक है ना, किस तरह का हम प्रोजेक्ट लें, ठीक है ना, विच प्रोजेक्ट, ठीक है ना, फिर उसमें कितना पैसा खर्च होना चाहिए, फिर प्रोजेक्ट यदि सक्सेस नहीं हुआ हमारा तो क्या मार्क्स कम मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, लेकिन ये सारे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ मैं इतना ही देना चाहूँगा कि आप बचपन से सुने होंगे कि वेल सेइंग प्रोवर्ब है कि वेल बिगनिंग इज हाफ डन, वेल बिगनिंग इज हाफ डन। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आप समझिए कि आधा प्रोजेक्ट आपका तो यूं ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे बात इस प्रोजेक्ट का। तो मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि कैसे हम जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें। और आपका अपना ये प्यारा सा चैनल जो मैकेनिकल पंडित है उसमें आपका स्वागत करता हूं मैं। और आइए अब देखते हैं प्रोजेक्ट का सबसे पहले स्कोप, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात बताएं कि एक यदि आप अच्छी शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, सोच समझ करके जो आप फैसला लेते हैं तो आपको वह सिर्फ समस्याओं से ही नहीं जो है बचाता है, परेशानियों से ही नहीं बचाता है, बल्कि सफलता के साथ आपको शोहरत भी देता है। जब आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट के साथ साथ कई सारे फैक्टर आपके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। एक तो आपको नॉलेज के साथ साथ, जैसा कि मैं आपको कई सारे वीडियो में बताया हूँ कि नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, एक स्किल ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलता है रियल टाइम काम करने का, आपको जो है स्किल खुद का भी और दूसरे का भी डेवलप करने का मौका मिलता है, फिर आप एक टीम के साथ जो है काम करने का जो है अनुभव गेन करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि रियल टाइम पे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब आपके जॉब अपॉर्चुनिटी की भी जो है संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपको क्रिएटिविटी देता है, ठीक है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए बढ़ जाती है, ठीक है ना। आप टीम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट फाइल बनाना होता है तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी सीख जाते हैं, ठीक है ना। कई जगह पे ओपन एग्जीबिशन लगता है, ठीक है ना, ओपन एग्जीबिशन लगता है जहाँ पे आप अपने
प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। कई सारे टेक फेस्ट लगते हैं, उस टेक फेस्ट में जो है आप अपने प्रोजेक्ट को शो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लोगों से परिचय का मौका मिलता है, ठीक है ना। और यदि प्रोजेक्ट बहुत ही जो है कुछ क्रिएटिव है, कुछ एक अलग आइडिया है, तो उसके साथ साथ आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। कई जगह पे स्पॉन्सरशिप लोग दे देते हैं, या कोई अवार्ड आप जीत सकते हैं, ठीक है ना। अवार्ड भी दिया जाता है, तो उसके आगे भी अवार्ड के स्पॉन्सरशिप और अवार्ड के आगे जो है आप अपने क्रिएटिविटी को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। एक रिसर्च पेपर के उसमें पब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा आर्टिकल के थ्रू या पेपर में आप इसको पेटेंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के शुरुआत में ही ये थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस वीडियो में आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, और प्रोजेक्ट जो है हजारों लाखों करोड़ों बच्चे बनाते हैं, लेकिन क्या सबका प्रोजेक्ट सक्सेस ही हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आज हम लोग ये कोशिश करेंगे, ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिए कि मेहनत तो करना है, लेकिन एक तरीके से यदि मेहनत करेंगे आप, एक प्रॉपर तरीके से जो आप मेहनत करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, 100% देगा, ठीक है। तो आइए, तो अब इसके बाद आइए हम प्रोजेक्ट जो है शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो हम लेंगे, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में सबसे पहला आपका टॉपिक होना चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट। पहले देखिए कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। सेल्फ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपके अपने नॉलेज पे, ज़बरदस्ती का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नॉलेज और स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है ना, जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप टॉपिक ले रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के टॉपिक जो उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में जो है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बाउंडेशन है, 6 महीना, साल भर, जो भी टाइम है उसके अंदर ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। देयर इज ए बजट, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा तो थोड़ी बना पाएंगे आप, ठीक ना। तो दैट शुड बी विद इन द जो है लिमिट, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑफ द कॉलेज, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑफ कॉलेज, कॉलेज में वो प्रोजेक्ट के लिए परमिशन है या नहीं, ठीक ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी सेम प्रोजेक्ट कोई सीनियर कर रहा है, ठीक है, या सीनियर जो है आपके साथ कोई संलग्न है, या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें जो है, या आप अपने जो है टीम मेंबर आपको नहीं मिल पा रहे हैं उस टॉपिक में, या आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक ना, या उस प्रोजेक्ट का कोई जो है सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई फिजिबिलिटी नहीं है, दैट ये सारे फैक्टर्स जो अभी हमने लिखे, ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि फिजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक ना, बजट है कि नहीं, ठीक ना। तो ये सारे टॉपिक चूज करने के पहले ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आप एक बार ज़रूर जो है चर्चा कर लें, ठीक ना, अपने टीम मेंबर के साथ, खुद भी एक बार बैठ करके जो है इन सब चीज़ का एनालिसिस कर लें। ऐसा ना हो कि हम प्रोजेक्ट शुरू कर दें और बीच नदी में जा करके फंस जाएं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको प्रोजेक्ट के लिए एक गाइड चाहिए, ठीक है ना। तो अब गाइड में भी कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर हम किनको गाइड बनाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाइड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो की फैक्टर्स हैं गाइड के, वह है कि वह आपके लिए समय निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। दे मस्ट हैव टाइम फॉर यू, कुछ ऐसे गाइड नॉलेजेबल तो हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो फिर आपके काम का तो कुछ बचे नहीं ना भाई। उनके नॉलेज से आपको क्या लेना देना है भाई, जो भी नॉलेज है वो आपको दे पा रहे हैं कि नहीं।
आप में इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक ना। ऐसा तो नहीं कि आपको पसंद ही नहीं करते हैं, चाहे जो भी मैटर हो उस मैटर को हम यहाँ पे बात नहीं करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये भी चीज़ चाहिए। उसके बाद जो है उसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि नॉलेज, ठीक ना। ये नॉलेज कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, ठीक ना। नॉलेज कैन बी कम्प्रोमाइज्ड, ठीक ना, इट कैन बी कम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बींग टीचर जो भी प्रोफेसर है, ठीक ना, आपके तो वो भी एक लर्निंग, जैसे मैं भी कहीं प्रोफेसर हूँ तो मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ। यदि कुछ नया चीज़ आता है तो आई ट्राई टू लर्न दैट न्यू थिंग्स। तो यदि आप कुछ नया कर रहे हैं, ठीक ना, तो गाइड यदि सिंसियर हैं, ठीक ना, ये सिंसियरिटी देखना बहुत ज़रूरी है। यदि वो सिंसियर हैं, यदि इंटरेस्ट वो ले रहे हैं आपके काम में, तो खुद भी सीख सकते हैं, ठीक ना, और सीख करके सिखा सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इट कैन बी कम्प्रोमाइज, नॉलेज कैन बी कम्प्रोमाइज्ड, ठीक ना। तो एक ये पार्ट हो गया। उसके बाद यदि आप एमटेक वगैरह कर रहे हैं, ठीक ना, तो एमटेक में या पीएचडी में कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, अप्रूवल की, या जो है क्या बोलते हैं, परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, या किसी रिसोर्स को यूज करना है, आपको कॉलेज के रिसोर्स को यूज करना है, ठीक ना, ठीक ना, रिसोर्स के लिए वो परमिशन दिला पाते हैं कि नहीं, कुछ बजट अप्रूवल होकर आ सकते हैं कि नहीं कॉलेज से, ठीक ना। तो ये सब सेकेंडरी टर्सरी बात है, ठीक ना। ये सब चीज़ यदि करा देते हैं आपके गाइड तो अच्छी बात है। कई बार हम ये भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि मैं दो गाइड रखिए आप जो है, खास करके एमटेक पीएचडी वगैरह में होता है टू गाइड, ठीक है ना। एक बंदा जो होगा, एक जो गाइड होंगे काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, ठीक है ना, जो जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, समय है, जो आपको शेयर कर सकते हैं, और दूसरा एक जो अप्रूवल बजट पास करा सकें, कुछ फाइनेंशियल हेल्प दिला सकें, डायरेक्टर वगैरह से चाहे बाहर कहीं उनकी अप्रोच हो, तो उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हमारा एक जो है नेक्स्ट ये था। उसके बाद जो है इस सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ गाइड जब कर लिए आप, ठीक ना, तब बात आती है प्रोजेक्ट की, बात आती है कि अब हम प्रोजेक्ट पे क्या क्या फोकस करना है हमें, ठीक ना। प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट बना लेते हैं, ठीक ना, हाइपोथेटिकल या कोई वर्चुअल प्रोडक्ट जो है आपका वो बना लिए, ठीक ना। तो इन सब प्रोजेक्ट का कोई जो है ना मार्केट वैलिडिटी भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि डोंट गो फॉर द हाइपोथेटिकल वर्चुअल प्रोजेक्ट, या जो है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर में ही बच्चे खेल लेते हैं कुछ भी, ठीक ना, और वही ला करके प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक ना, तो उसमें जो है मत जाइए। उसके बाद दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गूगल। देखिए फ्रॉम गूगल, क्योंकि गूगल जो है इट इज़ द बैंक ऑफ द नॉलेज, सॉरी इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द बैंक ऑफ द इन्फॉर्मेशन नॉट द नॉलेज। गूगल से नॉलेज नहीं मिलता है, जस्ट इट गिव द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वहाँ से कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक ना, दूसरे की कॉपी राइट कंटेंट भी आप चोरी ना करें, खुद का जो है आप जो है एक जस्ट टेक द आइडिया, जस्ट टेक आइडिया और उसको अपने तरीके से जो है आप उसको प्रेजेंट करें, ठीक ना। कहीं रिसर्च पेपर से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक ना, मार्केट से ले सकते हैं, ठीक ना, फ्रेंड से ले सकते हैं, ठीक ना, किसी बुक से ले सकते हैं आप। तो ये आइडिया आप जहाँ से भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन आपका अपना एरिया आइडिया होना चाहिए। डेवलप योर ओन आइडिया, ध्यान दीजिए, आपका अपना आइडिया होना चाहिए, ठीक ना। गूगल से कॉपी पेस्ट करके आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, मतलब इट इज़ दी वेस्टेज ऑफ दी टाइम, ठीक है। तो ये एक जो है प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट था। तो आप खुद की जो आइडिया, भले छोटा सा ही आइडिया क्यों ना हो, उसको ले करके आप लीड करें। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये आप सुने होंगे, वन आइडिया कैन
चेंज योर लाइफ। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट की टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक में आप देखिए कि कहीं ना कहीं किसी सोशल नीड को आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। आप जो है नीड को कुछ पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो क्या हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं मार्केट में या सोसाइटी में, कहीं उसकी ज़रूरत है क्या, ठीक है ना। कोई कंपनी उसको स्पॉन्सर कर सकती है क्या, ठीक है ना। क्या हम खुद उस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड हैं क्या, ये सारी चीज़ें सोचें तब कोई भी टॉपिक लें। और जो भी आपका ब्रांच है, ठीक है ना, चाहे वो मैकेनिकल है, सिविल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या जो है कंप्यूटर साइंस है, तो आप कोशिश करें कि कोर प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दें। कोर प्रोजेक्ट जो है आप करें, फिर बाद बाकी तो मार्केटिंग और जनरल प्रोजेक्ट आपको लाइफ लॉन्ग करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट आइडिया में ही आपको कुछ और बताते हैं। हमेशा नीड बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया, सोशल इम्प्लीकेशन उसका देख लीजिए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखिए, सोशल नीड देखिए उसका, नीड में सोशल नीड देखिए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल इम्प्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखिए, एकेडमिक इम्प्लीकेशन देखिए, एकेडमिक में कहीं यूज हो सकता है क्या, ठीक है ना। दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट द टारगेट, कि किसके लिए आप सिलेक्ट द टारगेट, फॉर हुम यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट, फॉर हुम यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है ना, आप किसके लिए बना रहे हैं। और प्रोजेक्ट में भी, प्रोजेक्ट जो होगा कोई जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक जैसे दूसरे का है वैसे ही आपका भी होगा। प्रोजेक्ट में भी वर्किंग मॉडल, ये वर्किंग मॉडल हो सकता है, ठीक है ना, एक वर्किंग मॉडल हो सकता है, एक आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडल हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे ही आप बना दिए, ठीक है ना। केस स्टडी हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, कोई रियल टाइम स्टडी हो सकता है, रियल टाइम स्टेटिस्टिकल डाटा पे आप कुछ कर लें, ठीक है ना। कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो मॉडिफिकेशन उसमें कर दीजिए, तो एक अलग कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाएगा। क्योंकि आज आप देखिए बाइक में, कार में ज़्यादातर मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है, आप उसके कुछ फंक्शंस को इम्प्रूव कर दीजिए, किसी सिस्टम को, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर दीजिए, ठीक है ना। आपके लैब में कोई मशीन है उसका कुछ सेटअप चेंज करके इजी टू हैंडल कर दीजिए, इजी टू मेंटेनेंस कर दीजिए, ठीक है ना। आज के डेट में हर आदमी वेबसाइट पे काम कर रहा है, एप्स कोई डेवलप कर लीजिए। कोई मैकेनिकल के यदि आप स्टूडेंट हैं तो एक ऐसा ऐप डेवलप कीजिए कि जो भी हम इनपुट दें, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उस न्यूमेरिकल का तुरंत फार्मूला निकल करके आ जाए, आप उसमें डाटा एंट्री किए और आउटपुट निकल करके आ जाए। तो इस तरह से, और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं तो कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम का अपग्रेडेशन कर दीजिए, अपग्रेडेशन कर दीजिए। कोई एक आइडिया यदि आपके दिमाग में है तो उस आइडिया को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है ना, आइडिया प्रेजेंट कर दीजिए, यही अपने आप में एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। दीज आर दी, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल। तो ऐसे मैं प्रीफर करता हूँ कि यदि आप बीई में हैं तो आप वर्किंग मॉडल प्रीफर कीजिए, एमटेक में हैं तो आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी किसकी, प्रोजेक्ट की, आइडिया की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, जो जो है इसमें प्रोजेक्ट आइडिया के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वह आता है राइटिंग स्किल की, कि प्रोजेक्ट लिखना कैसे है। अब ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है राइटिंग। तो लिखना तो अपने जगह पे है, क्योंकि प्रोजेक्ट से आप जो है लिखना भी सीखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल आपको बनाना होता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल एक वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेबल फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट है, वह यूज आप करें, ठीक है ना। साइज में 12 का फॉन्ट साइज लें, जो भी आप रनिंग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यदि हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग में आप 14 का लीजिए, ठीक है ना। टॉपिक यदि आप लिख रहे हैं तो ये 16 का साइज लीजिए, ठीक है ना। और जैसे आप देखते होंगे बुक में, देखते हैं ना, एकदम प्रॉपर अलाइंड रहता है, तो अलाइनमेंट में जस्टिफाइड कीजिए उसको,
ना लेफ्ट साइड लेना है, ना मिडिल, ना राइट। अलाइनमेंट में हमेशा जस्टिफाइड लीजिए, ठीक है। मार्जिन पेज है तो मार्जिन ज़रूर छोड़िए, और मार्जिन में हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, मार्जिन में ऊपर जो है, बाद बाकी हर कॉलेज का अपना एक फॉन्ट है, बट एक जनरल जनरल हम ये ट्रेंड बता रहे हैं, ठीक है ना, जनरल फॉर्मेट बता रहे हैं। ये ऊपर में एक छोड़ते हैं अपन, नीचे भी एक छोड़ते हैं, राइट साइड में एक छोड़ते हैं, और इधर डेढ़ छोड़ते हैं, 1.5। इसकी वन, ये वन, ये भी वन, और ये जो है आपका 1.5 होगा। ये ए फोर साइज पेपर का जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बताए हैं। ये 1.5 क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि आपको बाइंडिंग करानी है, स्पाइरल करानी है, तो उसके लिए 0.5 तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बाइंडिंग के लिए। तो ये मार्जिन जो है ये लीजिए, और पेज हमेशा ए फोर साइज का लेना है, ठीक है ना। 75 GSM का पेपर लीजिए हमेशा, 75 GSM, या बॉन्ड पेपर जो है एक आता है उस पर आप प्रिंट निकलवाइए, ठीक है ना, इट विल लुक लाइक जो है दी बेस्ट वे। और पेज नंबर जो है ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। कहीं कहीं पे पैटर्न है कि पेज नंबर के बाजू में, आजू बाजू आसपास में हम लोग अपना नाम, कॉलेज का नाम और ये देते हैं, तो ये पर्टिकुलर कॉलेज के फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करेगा बाद बाकी सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद नेम ऑफ द गाइड जो है, अपना नाम तो लिखिएगा ही लिखिएगा, ठीक है ना, अपना नाम और नेम ऑफ गाइड, ठीक है ना। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, ठीक है ना भाई, सब कुछ तो उनने ही किया ना आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है आप प्रॉपर जो है इंडेक्स, लिस्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट्स, कौन कौन सा कंटेंट किस किस पेज नंबर पे है, ठीक है ना। फिर एक्नॉलेजमेंट दीजिए उसमें, ठीक है ना, एक्नॉलेजमेंट ये ज़रूरी सब पार्ट है, ठीक है ना। ये सदियों से आ रही है, जब हमारे आप वेद पुराण और गीता जो है वो पढ़ेंगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना, जो आज लोग कॉपी कर रहे हैं। ये कोई विदेशी नहीं दिए, ये सब हमारे भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति जो है किसी भी दुनिया की संस्कृति से, किसी भी ज्ञान विज्ञान से जो है हजारों साल आगे है, ठीक है ना। जो साइंस हम लोग आज पढ़ते हैं वो साइंस काफ़ी पुराना हो चुका है इंडियन कंटेंस्ट में, तो ये सारी चीज़ें पहले से आ रही हैं, तो इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिए, सर्टिफिकेट्स जनरली जो है हम लोग उसमें क्या बोलते हैं फाइल के लास्ट में जनरली लगाते हैं हम लोग, तो ये सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए। हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखिए, ठीक है ना, इसको आप हाइपर लिंक भी कर सकते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग को आप चाहें तो हाइपर लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो यदि सॉफ्ट कॉपी आप प्रोजेक्ट का सबमिट कर रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, ठीक ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इस जो भी कुछ है आप जस्ट टाइप कीजिए, ठीक ना, डोंट कॉपी पेस्ट, ठीक ना, नहीं तो क्या है पूरा अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है और समझ में आ जाता है कि हाँ आपने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक ना। कलर में जनरली जो है हम लोग ब्लैक कलर यूज करते हैं, बाद बाकी फॉन्ट वगैरह आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिए। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बताएं आपको, जहाँ भी आप कोशिश कीजिए कि आपके पूरे जो है थेसिस में, पूरे प्रोजेक्ट में आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टेबल्स हों, ग्राफ हों, फिगर्स हों, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो कीजिए। टेबल्स में आपको हेडिंग लिखना ज़रूरी है, ऊपर में हेडिंग लिखते हैं कैप्शन, और ग्राफ्स या फिगर में, ग्राफ्स यदि है तो एक्स वाई पूरा प्रॉपर जो है, ये एक्स क्या है, वाई क्या है, आप लिखना मत भूलें। और फिगर्स जहाँ भी आप बना रहे हैं तो कैप्शन ज़रूर लिखें कि फिगर नंबर इतना, यहाँ पे टेबल में ऊपर लिखते हैं कि टेबल नंबर इतना और ये क्या है टेबल में, उसी तरह यहाँ पे फिगर में फिगर क्या है फिगर में, ठीक ना। उसके बाद जैसे ये इंडेक्स में ही, तो इंडेक्स के पास ही जो है आपका एब्रिविएशन जो है, शॉर्ट वर्ड जो अभी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सॉम कहीं लिखे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो हर जगह पूरा नाम लिखने के बजाय आप शॉर्टकट में लिखेंगे, तो शॉर्टकट में जो भी आप लिख रहे हैं तो उसका एब्रेविएशन ज़रूर दें, ठीक है ना। तो उसमें ये हमने आपको बताया कि जो है किस तरह से आपका राइटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है।
फिर जो है जाते जाते आपको बता दें, हम थोड़ा सा कुछ टॉपिक जैसे केस स्टडी टॉपिक पे हमने बात किया था, प्रोजेक्ट आइडिया पे ही ये टॉपिक पे हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो टॉपिक पे आप देखेंगे तो जो है, यदि आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं दोस्त, तो गेम के तरह यूज नहीं करना है। कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आइए, एक मॉडल डेवलप कीजिए, डाटा एनालाइज कीजिए, ठीक ना, ये मॉडल डेवलप कीजिए, ठीक ना, डाटा एनालिसिस कीजिए, ठीक ना। देखिए आप, ये कॉन्सेप्ट ही तो है। आप बोलिए सर सिर्फ कॉन्सेप्ट से, सिर्फ आइडिया से क्या होगा? एक आइडिया तो ही है जिस पे ये सारे ऊबर सॉफ्टवेयर, यूबर टैक्सी आप यूज किए होंगे, ओला यूज किए होंगे, OLX यूज किए होंगे, ठीक है ना, ये जोमेटो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने सारे ये म्यूचुअल फंड्स कंपनी हैं, और उसके बाद जो है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे जो है आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं, एक नेटवर्किंग डेवलप कर सकते हैं, और बिना 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट का आप जो है एक रिच पर्सनालिटी बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडिया है और बाद बाकी आपका नसीब है, आपका मेहनत है, ठीक है ना। उसी तरह से जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है ना, कुछ आप कर सकते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई हेल्थ टिप्स आप जो है वो आज की डेट में एक ऐसा सेक्टर है हेल्थ जिसमें कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है काम करने की, तो हेल्थ टिप्स लाइक कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। कोई सोशल नीड है, ठीक है ना, आज के डेट में कोई भी लेडीज, कोई भी लड़की जो इंजीनियरिंग कर ली या डॉक्टरी पढ़ ली या कोई बड़े पोस्ट पे, तो घर में खाना नहीं बनाना चाहती है, तो क्या कुछ किचन बेस्ड आप जो है काम कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय लेट पहुंचते हैं तो क्या अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं क्या आप। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं क्या, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी के ऊपर भी जो है काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं, और ये लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है तो उसको अनलिमिटेड कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे काम आजकल चल रहा है, ठीक है ना। आप कई बार क्या होता है कि आप मेले वगैरह में जाते हैं तो पार्किंग की समस्या आती है, पार्किंग में किसी तरह से गाड़ी लग भी गई तो जब आप मेला घूम करके आते हैं या मार्केट से आते हैं तब कहाँ गाड़ी रखे थे यही याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो क्या हम ऐसा कुछ ऐप डेवलप कर सकते हैं कि हम पार्किंग में जहाँ गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे जो है हमारे मोबाइल में जो है वो हमारी गाड़ी दिखते रहे, ताकि चोरी भी होने का डर नहीं रहे, और जो है एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें मिल जाए कि हम कहाँ पार्किंग में लगा करके आए थे, ठीक है ना। उसी तरह से लर्निंग ऐप भी बहुत सारा डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमने आपको बताया, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के आइडिए थे। तो फिर से हम एक बार आपको याद दिला दें कि ये था हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इस आधे घंटे के वीडियो में आपके पूरे 6 महीना का प्रोजेक्ट तो मैं नहीं समेट सकता हूँ, लेकिन ये हमारी एक कोशिश है कि यदि आप रियली, ठीक है ना, किसी प्रोजेक्ट पे या किसी थेसिस पे आप काम करना चाहते हैं और ये कॉन्सेप्ट यदि आपके काम आ गया तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, अवार्ड मिल जाता है, आप सफलता के साथ शोहरत भी हासिल करने लगते हैं। तो ये सब हमने बताया था कि कैसे हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या पहले सोचना चाहिए कोई किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो, और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं ये हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कि कैसे टाइम, बजट, इंटरेस्ट ऑफ कॉलेज, और ये सारी इंटरेस्ट ऑफ कॉलेज या यहाँ पे सोसाइटी भी हो सकता है जिसके लिए, या किसी आप पर्टिकुलर फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी सारा जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप के मेंटर कौन है, क्योंकि मेंटर के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो गाइड हो गए। उसी तरह से टीम मैनेजमेंट, रिसोर्स आपके पास है कि नहीं, सोशल एक्सेप्टेंस है कि नहीं, तो इन सारे चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपको बता दें, यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट की सक्सेस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्क्स से। प्रोजेक्ट यदि 6 महीने के अंदर सक्सेस नहीं हुआ तो हमें मार्क्स कम मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो, उसी हिसाब से आपको ये टॉपिक
चूज करना है कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। फिर हमने बताया था कि गाइड, ठीक है ना, किस तरह से गाइड आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर प्रोजेक्ट की आइडिया हमने बहुत सारे दिए थे कि किस तरह से जो है आप प्रोजेक्ट की आइडिया डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमने कुछ आइडिया भी बताया। नो इन्वेस्टमेंट बट बेटर आइडिया, ठीक है ना, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए। और लास्ट में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने आपको बताया, राइटिंग स्किल, क्योंकि आपकी आइडिया है, आपका मेहनत है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट करें, चाहे वो एग्जीबिशन में करें या प्रोजेक्ट फाइल बनाएं या पावर पॉइंट बनाएं, ठीक है ना, जैसे भी आप प्रेजेंट करना चाहें या वीडियो बनाएं, बट वो खूबसूरत होनी चाहिए। ये तो हमने जस्ट एक फाइल बनाने का फॉर्मेट बनाया, लेकिन जो भी आपके पास कोई बेटर प्रोजेक्ट है, कोई बेटर आइडिया है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कोई आइडिया दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि किसी और के काम आ जाए। तो आप इस प्रोजेक्ट का एक तो ये फाइल बनाने का हमने पूरा मेथड बताया कि उसमें टेबल, ग्राफ, फिगर, लिस्ट ऑफ कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, जो है सारी चीज़ें आपको उसमें देने हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, चैप्टर, यूनिट, सब डिवाइड करके। और इसको ही हम पावर पॉइंट के थ्रू भी बना सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का एक वीडियो बना सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, इसको दुनिया को आप दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास ये आइडिया है और इस आइडिया पे आप काम करोगे तो आप जो है हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो, या इस तरह से जैसे भी आपकी ट्यूनिंग बैठे, तो दैट यू कैन इनकेस द प्रोजेक्ट। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि मेहनत सभी लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट से यदि कुछ आउटपुट निकल गया तो वही मेहनत का मतलब मेहनत है, अदरवाइज, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम यही बोलेंगे कि कोई भी सक्सेस स्टोरी है या सफलता है, सफलता कहीं खोजना नहीं है, बस उसके लिए खो जाना है। ध्यान रखिए, आप सफलता के लिए खो जाइए, सफलता मिल करके रहेगी। बी पोलाइट, बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कहीं कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो लेट मी कम टू नो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोर नॉलेज के साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उससे मैं आपका कुछ हद तक हेल्प कर सकता हूँ। और यदि आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है जो आपको लगता है कि दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस अपने प्रोजेक्ट आइडिया को ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि किसी का बेनिफिट हो सके। तो आई होप ये हमारे जो है थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ों से आपका ज्ञान का वर्धन हुआ होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेस एक जीवन का हिस्सा है, कोई भी डिग्री से हमेशा जो है नॉलेज नहीं मिलता है, नॉलेज मिलेगा विद्या ददाति विनियम, ठीक है ना। तो आप नॉलेज गेन कीजिए, और सक्सेस और फेल्यूर तो जीवन का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट में सक्सेस होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी अच्छी बात है, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं, उससे कुछ सीखने मिला अपने को। कहीं भी अपने उत्साह को खोना नहीं है, अपने झील को, अपने इंतजाम को जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको बनाए रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, मेरा वही संदेश, सिर्फ एक ही संदेश आज मैं 17 साल से देते आ रहा हूँ, और फिर 17:34 का ये वीडियो है, 17 साल से आपको देते आ रहा हूँ वही टिप्स, आज भी वही टिप्स दे रहा हूँ कि स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना, और प्रसन्न रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी की असूल है। बस यही, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी तरह से इन वीडियोज को आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट।